तार होवे करा है अब ना करा है तो कैसे बना है बाल बच्चा सब बढ़ती जे ना बढ़िया है बिल्कुल हाँ यह सब आप का हम का पढ़ा ना लिखल ही हो बहुत बहुत ही हो तो का कहियो बोलेगा इस कुटुम की सारी लाइनें व्यस्त है कृपया 5 साल के बाद कुटुम को संपर्क करें। की तरफ से गरीब आदमी कहाँ से करेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो हम तो शिक्षा के ही आधार पर देंगे। शिक्षा के आधार पे आप वोट देंगे, आप किस चीज़ के आधार पे वोट देना पसंद करेंगी? अमीर वो सही बोल रही है, शिक्षा के आधार पर ही वोटिंग करना जरूरी है, क्योंकि और उसके बाद वोट पड़ने के बाद जब जरूरत हो तो कुटुंब के फोन लगाइए तो बोलेगा इस कुटुंब की सारी लाइनें व्यस्त है कृपया 5 साल के बाद कुटुंब को संपर्क करें। और लोग अपना अपना कुटुंब जो आते हैं वोट दिलाते हैं, अपना अपना बाल बच्चा के नाम के लिए वो अपना जो काम करना शुरू करेंगे और उसमें अपना उनका स्वार्थ रहता है। आपका चाप से आपके वोट लेकर बरगला करके और लोग अपना अपना बाल बच्चा का विकास करता है। इसलिए भाइयों बहनों एक ऐसे भी कहावत है दीदी चाची ये वो चुनाव में रहते हैं गाँव के कमा के थे बाहर से तो एक वोट मिले चुनाव होने चुनाव के बाद एक वोट मिले तो सामने औरत कहते देख ला जी तोरा कहलियो न हमरा छोड़ के तोरा कोई वोट ना देखो तो जो चुनाव हरा हुआ मैंने कहा कि लठिया लाओ तो हम जो वोट बदले वो कहाँ गए यानी कि मत का अधिकार माँ बहने बखूबी समझ गई है किसी के पाले में नहीं पड़ती है उस बार भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है अपने पति का भी विश्वास नहीं करना है बच्चों का भी विश्वास नहीं करना और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए बच्चों के शिक्षा के लिए बच्चों के स्वरोजगार अपने स्वरोजगार के लिए आपको अच्छे उम्मीदवार को चुनना होगा। हम अभी आए नॉमिनेशन के निमंत्रण देने फिर आएंगे वोट मांगने फिर जीत करके बाल बच्चा को हाथ पकड़ के कहेंगे चल बेटा आप सही जगह पे हमें पढ़ने इस समय में यहाँ पढ़ाई होगा इस समय ये पढ़ाई होगा। अभी जिस गांव में मैं मौजूद हूँ वहाँ पर अभी जनसंपर्क करते हुए डॉक्टर संजय कुमार जी मिले और यहाँ की महिलाओं को उन्होंने जागरूक करने के लिए बहुत सारी बातें कही, यहाँ की बेटियों के लिए बहुत सारी बातें करी, तो यहाँ की लड़कियों से भी मैं मिली और उन लोगों से भी जानने की कोशिश की कि क्या शिक्षा मेन मुद्दा है या इन लोगों को शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह की पाबंदियाँ होती हैं। तो आज इनके गार्जियन से जानेंगे कि जो डॉक्टर संजय कुमार जी ने कहा उनके बात से कितने प्रभावित हुए यहाँ के लोग। बेटी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि शिक्षा ही उनका मूल रूप है और उसी के आधार पर वो इस बार का चुनाव में वोट देंगी। क्या कहना चाहेंगी संजय जी जैसा यहाँ पर बात किए शिक्षा को लेकर के, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या लगता है क्या होना चाहिए सही मायने में एक प्रत्याशी को जिसे हम चुन करके लाते हैं अपने लिए अपने समाज के लिए अपने क्षेत्र के लिए, वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और भी महिलाओं से मिलते हैं पहले जी। आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस समाज में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? पढ़ाई को लेकर के, तो आपकी बेटी भी पढ़ती होंगी बेटा भी पढ़ते होंगे जी, तो क्या बेटी और बेटे जो कि गांव का मूल रूप से देखा गया है कि बेटा और बेटी में काफ़ी अंतर देखा गया है, ऐसा आप भी करते हो? कोई अंतर नहीं है जी। जिनका ये कहनाम था कि शिक्षा ही उनका मूल रूप है मूल आधार है और ये पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो पहले हम लोग मिलते हैं। चलिए आप बताइए कि आप अभी डॉक्टर संजय कुमार जी जिस तरह से आप लोग के बीच में प्रचार प्रसार कर रहे थे, इससे आप कितने जागरूक हुए? जागरूक हुए बोले हैं तो वोट तो शिक्षा जो हमको मिलेगा हम तो इसीलिए उन्हीं को वोट देंगे जो हमको हो कुछ, हम तो चाहते हैं जो हमको नहीं हो पा रहा है हमारे परिवार की तरफ से, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई नहीं आगे बढ़ पा रहा है, तो हम तो शिक्षा के ही आधार पर देंगे। शिक्षा के आधार पर आप वोट देंगे, आप किस चीज़ के आधार पर वोट देना पसंद करेंगी?
हमें सही बोल रही है, शिक्षा के आधार पर ही वोटिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ाई करेंगे और बेटियों को अगर आगे बढ़ेगा तो एक अगर बेटी नौकरी करते तो पूरा घर जागरूक होता है और एक बेटी से पूरा संसार मतलब कि जागरूक होगा और शिक्षा ही मेन मुद्दा है। दार होवे कर है या ना कर है तो कैसे बने है, बाल बच्चा सब बढ़ती जे ना बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यह सब आओ का हम का पढ़ा ना लिखल ही हो भोत भोत ही हो तो का कहियो पढ़ी है, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, ये बहुत बड़ी हाँ, बात हाँ 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 ये सब तो होना चाहवे करी बेटी, पहले वाला बात ना है कि भोंद भांद रह गई।